मरीज ने मैक्स अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसकी रिपोर्ट सामने आने पर पता चला कि वो भी स्वाइन फ्लू पीड़ित था। स्वाइन फ्लू के मामले सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी गैर सरकारी और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देहरादून के CMO SK गुप्ता ने बताया कि सभी अस्पतालों को स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाने के लिए कहा गया, ताकि बीमार अन्य मरीजों में स्वाइन फ्लू न फैले। साथ ही अन्य जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। स्वाइन फ्लू से मरने वाला मरीज देहरादून के प्रेम नगर का बताया जा रहा है। वही दूसरा मरीज रुद्रप्रयाग के जखोली गांव का है, जो महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए